हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित खुराना, आपका होस्ट इंटेलेक्ट डाइजेस्ट हिंदी पे। और ये है ओप्पो का A9, जो कि कुछ टाइम पहले ही इंडिया में लॉन्च किया गया है। ये ऑफलाइन मार्केट्स में है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इसके बेस्ट बाय लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्राइमरीली ऑफलाइन के लिए लॉन्च किया गया है और ये आता है 4GB रैम 128GB रोम के साथ। इसका डिज़ाइन काफ़ी इन्होंने इंटरेस्टिंग दिया है। इस वीडियो में मैं इस फ़ोन को खोल के दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा ये फ़ोन कैसा दिखता है। बात करेंगे इसके फीचर्स की और क्या ये 15,000 के आसपास कीमत में जो लॉन्च हुआ है, क्या आपको ये 15,000 खर्चने में वर्थ है, आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। मैं अपने इम्प्रेशंस आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, ये मेड इन इंडिया यूनिट है। आजकल ज़्यादातर बड़े मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसका जो बॉक्स है काफ़ी फेमिलियर डिज़ाइन है और यहाँ पे इसके की स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। 4GB रैम 128GB रैम रोम सॉरी और यहाँ पे दिया गया है 6.5 इंच का फुल HD प्लस वाटर ड्रॉप स्क्रीन, 4020 mAh की बैटरी है। रियर में ड्यूअल कैमरा दिया गया है, फ्रंट में एक सिंगल कैमरा है। इसमें पॉपअप कैमरा मैकेनिज्म नहीं है, ये आता है एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, जिसके अंदर इसका 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है। बॉक्स को खोलते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है ये एक छोटा सा बॉक्स इसके अंदर, और यहाँ आपको मिल जाता है एक सिम रिमूवल टूल और साथ ही में एक सॉफ्ट बैक केस भी इसमें इंक्लूडेड है, हल्की से डार्क शेड में है। और यहाँ कुछ डॉक्यूमेंटेशन दी गई है जिसमें इंफॉर्मेशन, यूज़र गाइड वगैरह है। इनको साइड में रख देते हैं, देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। तो आपको यहाँ मिल जाता है ओप्पो A9 स्मार्टफोन, ये मार्बल ग्रीन कलर में आया है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी डार्क ग्रीन शेड है, ऑलमोस्ट ब्लैक लगता है कुछ एंगल से। जैसे इसका एंगल चेंज होता है, इसका कलर थोड़ा सा शिफ्ट होता है, कलर थोड़ा डिफरेंट लगता है। मल्टीपल ग्रेडियंट शेड्स हैं इसमें पीछे की तरफ और दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ ही में गोल्डन एक्सेंट्स दिए गए हैं कैमरा के अराउंड, फिंगरप्रिंट स्कैनर और ये जो ओप्पो का लोगो है और डिज़ाइन बाय ओप्पो लिखा गया है, ये सब गोल्डन एक्सेंट में है। यहाँ पे पावर बटन जो है ये भी एक कलर एक्सेंट के साथ आता है। मैं आपको फ़ोन पे वापस ले चलूँगा, पहले हम देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। तो यहाँ आपको मिल जाता है एक वॉल चार्जर जिसकी करंट रेटिंग है 5V 2A, यानी ये 10W का चार्जर है। साथ ही में दी गई है एक वाइट कलर की डेटा केबल जो कि USB 2 माइक्रो USB है। और यहाँ पर दिए गए हैं ओप्पो के ईयरफोन्स जो कि ईयरपॉड स्टाइल हैं, जैसे कि लगभग जैसे आपको एप्पल में मिलते हैं, लेकिन ये 3.5mm पोर्ट के साथ आते हैं। तो बॉक्स कंटेंट और इन सब चीज़ों को साइड में रख देते हैं, वापस आते हैं फ़ोन की तरफ। और ये है ओप्पो का ओप्पो A9। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले के साथ, जो कि है 6.5 इंचेस डायगनली। और इसके ऊपर की तरफ आपको मिलेगा एक 16 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा और यहाँ एक स्पीकर और ईयरपीस ग्रिल है, आप देख सकते हैं। राइट में पावर बटन दिया गया है, नीचे की तरफ ग्रिल है, चार्जिंग पोर्ट है जो कि माइक्रो USB है, टाइप सी नहीं है। यहाँ पे माइक्रोफोन है जो प्राइमरी माइक है और 3.5mm का ऑडियो पोर्ट है। और इस तरफ दो वॉल्यूम बटन्स दिए गए हैं जो कि डिस्क्रीट बटन्स हैं। इसका जो सिम कार्ड ट्रे है वो वॉल्यूम बटन्स के ऊपर की तरफ दिया गया है। इसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ड्यूअल सिम हाइब्रिड ट्रे। हालांकि इसमें 128GB इंटरनल मेमोरी ऑलरेडी दी गई है, तो आपके पास 100GB से ऊपर का स्टोरेज अवेलेबल है। बट अगर आप इसमें मेमोरी कार्ड डालना चाहते हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा सेकेंड सिम के ऊपर, क्योंकि दूसरा सिम नहीं डाल सकते अगर आप मेमोरी कार्ड डालेंगे, एक ही चीज़ इसमें आप डाल सकते हैं। और इसके ऊपर की तरफ है सेकेंडरी माइक्रोफोन होल। पीछे की तरफ आएँ तो यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ड्यूअल कैमरा है 16+2 मेगापिक्सल का, LED फ्लैश है। और ये है इसका क्विक फिजिकल ओवरव्यू। मैं इस फ़ोन को फटाफट से सेटअप करके वापस आता हूँ, फिर आपको इसका और टेस्ट करके दिखाएंगे, कैमरा वगैरह टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। इसको हमने जल्दी से सेटअप कर लिया है फ़ोन को, और ये आता है कलर OS 6 के साथ, एंड्रॉयड 9 के साथ। और इसमें जो प्रोसेसर आपको मिलेगा वो है MediaTek का हीलियो P70, जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है जिसमें 4GB की रैम इसके साथ में इस फ़ोन में दी गई है। यहाँ पे आप अबाउट में देख सकते हैं 105GB की स्टोरेज आपको अवेलेबल मिलेगी, जो कि काफ़ी है एक नॉर्मल यूज़र के लिए। अगर आप फोटोज़ खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं और साथ ही में आप वीडियोस डाउनलोड भी करते हैं, बहुत सारा म्यूज़िक भी डाउनलोड करते हैं, उसके बाद भी 105GB
काफ़ी होता है, उसमें आप बहुत सारी मूवीज भी रख सकते हैं, तो आपके पास काफ़ी स्टोरेज है। और इसके कैमरा को अगर देखें तो रियर में जो ड्यूअल कैमरा है, और फ्रंट में सिंगल 16 मेगापिक्सल कैमरा है। फ्रंट में भी आपको फोटो और पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिल रहा है, ये नॉर्मल फोटो मोड है और ये पोर्ट्रेट मोड। तो आइए देखते हैं कैसे रिजल्ट्स हैं ओप्पो A9 से खींची हुई फोटोज के। ये है पोर्ट्रेट मोड, आप इस पे देख सकते हैं कि इसने फेस को डिटेक्ट किया और पीछे की चीज़ों को ब्लर कर दिया है। जो पीछे फैन आप देख रहे हैं वॉल पे, वो काफ़ी ब्लर्ड आउट है, इसमें आप फैन को देख पा रहे हैं। और ये नॉर्मल सेल्फी है और ये पोर्ट्रेट सेल्फी है जिसमें इसने बाकी चीज़ों को ब्लर करने की कोशिश की है। ये एक रियर कैमरा फोटो है, आप देख सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड यहाँ ठीक से काम नहीं कर रहा है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप लेकिन डिटेलिंग देखिए पिक्चर में। इस फ़ोन की स्क्रीन की कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है और कैमरा भी काफ़ी अच्छे से क्लिक कर रहा है, तो कैमराज इसके अच्छे हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें हीलियो P70 ऑक्टाकोर चिपसेट मीडिया टेक की तरफ से दिया गया है। 4000 mAh की बैटरी दी गई है, 4GB की रैम दी गई है। इस पर आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं आराम से और आपके डे टू डे टास्क में कोई परेशानी नहीं होगी। फ़ोन का कैमराज अच्छे हैं, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। आइए इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मेरे हिसाब से अच्छा चल रहा है, इसमें फेस अनलॉक भी है, मैंने फेस अपना रजिस्टर किया है। भैया अब इसका फेस अनलॉक एक बार दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं, और फेस अनलॉक इसका काफ़ी अच्छे से चल रहा है। तो ये फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा डिज़ाइन में, लुक्स में, बट 15,000 की कीमत में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो क्या आपको ये फ़ोन खरीदना चाहिए? अगर आपको ओप्पो के फ़ोन पसंद हैं और अगर कैमरा जो है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और आपको एक फ़ोन चाहिए जो कि ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो, जिसका डिज़ाइन अच्छा दिखता हो, जिसकी लुक्स अच्छी हो, जिसमें आपको अच्छे खासे फीचर और खूब सारी स्टोरेज मिल जाए, तो ओप्पो का ओप्पो A9 जो कि काफ़ी अच्छी एक्सेसरीज़ के साथ भी आता है, अच्छे डिज़ाइन के साथ आता है, आपके लिए एक अच्छा फ़ोन रहेगा इस कीमत में। अगर आप इसको चाहें तो ज़रूर खरीद सकते हैं। इसके बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ओप्पो A9 हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप कीजिए और हमारे नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इस वीडियो में इतना ही, आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। मैं आपका दोस्त रोहित खुराना आपसे विदा लेता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।